मैं डॉक्टर जी एस जम्मू, हम जम्मू हॉस्पिटल जलंधर से। मैं अपने एक पेशेंट है जिनका नाम मिस्टर ईशान अहमद, जो कि श्रीनगर से हमारे पास पिछले 8 महीने पहले आए थे। ये इनको काफ़ी ज़्यादा मोटापा था और काफ़ी अनकंट्रोल्ड शुगर थी, तो उसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, तो ईशान साहब बताएंगे, आप जब मेरे पास पहली बार आए थे और कैसे पहुँचे थे और आपका वेट कितना था? पहले तो मैं पहले 1 साल पहले आया था आपके पास, जब मैंने टेस्ट वेस्ट कराया, उस वक्त मेरे बच्चे बच्चे साथ थे, उनने मना किया था कि इसको नहीं करना टेस्ट, ये वो थोड़ा घबरा गया। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई, शुगर मेरा तकरीबन 450 यूनिट में करता था, 150 सवेरे 150 दिन को, तो भी शुगर आया। अब 450 यूनिट इंसुलिन या डेली लेते थे ऑपरेशन से पहले? जी। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई, मुझे चलना फिरना यहाँ से उठना मुझे सांस चढ़ता था, मुझे कहीं रुकता नहीं था, खांसी जुकाम ये सर में दर्द, टांगों में दर्द, इधर यहाँ तक मुझे डॉक्टर कह रहे थे आपके घोड़े ही चेंज करो, आपको आपके घोड़े भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, बाजू में दर्द होता था और प्रेशर भी हाई रहता था, क्रेशर भी हाथ बीमारी थी मुझे काफी कभी, उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर जब मैं आपके पास आया, जब आपने कहा मेरे बच्चों को भी बोला नहीं, किसी को नहीं बोला, मैं अकेले आपके पास आया क्योंकि मुझे वो कह रहे थे कि नहीं मत कराइए। फिर मैंने मुझे प्रॉब्लम बहुत थी, वो दिन आजकल मैं लगता हूँ कि मैं जैसे छोटा बच्चा हो गया, सारी प्रॉब्लम जो आज से 20-25 साल पहले, मतलब जैसे मैं उठता बैठता था दौड़ता था, आज मैं कम से कम 10 किलोमीटर चलता हूँ। आपका कितना वेट लूज हो गया है? मेरा इस वक्त तकरीबन हो गया 46 किलो 8 महीने में। आज और आप शुगर के लिए आप इंसुलिन लेनी पड़ती है? मैं बेटा इतना तमन्ना करता था मैं बर्फी खाऊं, मुझे बचपन से शौक था बर्फी खाने का ही, आज तो बहुत खा तो ना शुगर है ही नहीं, ना प्रेशर की दवाई का। 400-500 इंसुलिन लेते थे और तब भी शुगर कंट्रोल नहीं किया? कंट्रोल था ही नहीं, मुझे तो आँखें भी नहीं हो गई, मुझे लगा था बस मुझे अब बस 2-3 महीने निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस सिंपल से ऑपरेशन से ही आपका वेट तो लूज होता ही होता है। आपकी जो डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़, चाहे आप इंसुलिन भी ले रहे हो, तो जैसे इशाक साहब की 450 यूनिट ये इंसुलिन लेते थे और आज ये मीठा भी खाते हैं और इंसुलिन भी नहीं लेते और शुगर फिर भी ठीक कंट्रोल है। बिल्कुल मैं इंसुलिन देता नहीं हूँ, जिसने कहा था 5% सिर्फ 5 यूनिट में करता बस, मुझे क्यों होता है। जैसे आप ऐसे पास पहली बार आए और डर के चले गए थे, शायद एक साल तो वापस ही थे, 15,000 रुपये वो लगाया, 16,000 रुपये वो टेस्ट करते हुए फिर मैं गया अगले साल। तो आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके दिमाग में डर बैठा हुआ है या डरते हैं सर्जरी से, या उनको लगता है ये है नहीं ऐसा, जब जैसे डॉक्टर बोलते हैं ऐसे प्रॉमिस करते हैं ऐसी चीज नहीं है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको दे रहा हूँ, आप किसी सूरत में सब कुछ छोड़ कर आपको नई जिंदगी आ जाएगी, आपको पता चलेगा कल की आपकी मतलब जैसे वो जिंदगी नए से आपको चेंज हो जाए, नए से आप खाएंगे पिएंगे मतलब सोने में हर चीज में। मैंने तो 2 मशीनें लाई थी, वो ऑक्सीजन वो मैंने एक लाई थी 1,10,000, एक लाई थी मैंने 80,000, वो भी सब जाया हुआ ऑपरेशन से पहले मशीन लगा के सोना सेकंड में नहीं सो सकता, तो स्लीप एपनी है इनको बहुत ज्यादा था, ये बिना मशीन के सो नहीं पाते नहीं पा रहे। और पूरी रात को मुझे किसी के घर जाना था, बहुत इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैंने ऑक्सीजन मशीन लेकर साथ तब तक मैं चल ही नहीं सकता, वरना मेरी जबान यहाँ तक निकल गई, मैं इतना मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ मैं सीधा जन्म में गया, मैं डॉक्टर साहब का कैसे शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, कभी नहीं जिंदगी भर ऐसा रहे इसका कि हमें कि इसने हमें पैसे को छोड़ा, पैसे बोली जब हम हैं सब कुछ है, पैसे कहते हैं पैसे तो आते जाते, जब जिंदगी जिंदगी इस चीज़ की होगी कि क्या बोलते हैं इसको, जब हम होंगे फिर मुझे किसी ने घोड़े का ऑपरेशन करा, ये करा, टांग का ऑपरेशन करा, फलाना चीज करा, वो तो सब खत्म होंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। मैं यहाँ से यहाँ तक मुझे 2 आदमी उठा लेते, डॉक्टर भी जिस दिन मैं हस्पताल में आया मुझे 2 आदमी चला चला कर जाते थे, ये चले नहीं सकते, गाड़ी कभी नहीं जा सकते, मैं मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने की गाड़ी है, हमारी मस्जिद तकरीबन 200 फुट दूर है घर के साथ, उसमें भी मस्जिद में जाकर फिर बैठ के पकड़ते थे, खड़ा हो नहीं सकते, इतनी प्रॉब्लम थी। अब अपना जो काम आपका काम क्या है वहाँ पे क्या करना होता है? और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी जमीने की प्रॉपर्टी की सब खत्म हो गई, मैं जाते ही अब सारा कारोबार मेरा वापस आ गया, मेरा तो कम से कम कसम से यकीन करो मान करो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का फायदा, अगर मैंने यहाँ पर 2-4 लाख रुपये खर्चा है
वहां से मुझे कल घूमने जाने के नहीं, ग्रामीण में मेरा होटल है, इधर श्रीनगर में मेरे पेट्रोल पंप है, दूसरी है जमीन मेरे खरीदे बहुत बेचारे थे वो लोग ही खा रहे थे क्योंकि मैं कुछ आ ही नहीं सकता। आप लोगों को अपना एड्रेस और फोन नंबर बोल सकते हैं जिसने आपको श्रीनगर में कॉन्टैक्ट करना, अपने डाउट्स क्लियर करने के, आपको कुछ कोई पूछ सकता है? जी जी, अपना फोन नंबर बोल देंगे? जी हाँ, 9419062316 श्रीनगर जवाहर नगर। कौन सा नगर? जवाहर नगर, श्रीनगर जवाहर नगर। तो और आज मेरी जिंदगी इस तरह बच गई, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता अगर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। जो हमारे भाव एक मस्जिद को चढ़ा था पानी, और मैं कहाँ से चढ़ता था उसको, मैं तो एक मस्जिद नहीं चढ़ सकता। आज जिंदगी मुझे खुदा की कसम, मैं हम घर में सब कह रहे थे हमें बस, फिर मुझे चलना पड़ा 3 किलोमीटर चलना, जो आदमी एक सेकंड नहीं चल सकता क्योंकि पानी में चलना पड़ा। मैं बच गया, उसकी वजह से बच गई ऑपरेशन की वजह से, वरना आज मैं बचा भी नहीं होता था क्योंकि मुझे चार चार आदमी उठा कर बोलता, उधर अपने आप को नहीं कोई उठा सकता, मुझे कौन उठा सकता। तो आपकी लाइफ आपके हिसाब से काफी अच्छी हो गई है? बहुत हद से गुजरा। अच्छा लाइफ में मुझे लाइफ में भी फर्क वो भी हो गया। अच्छा रोज दर्द होती थी इसमें सर में, ये मेडिसिन डबल पूरा में खाता था, आज एक मेडिसिन नहीं खाता हूँ, थायराइड का दवाई का थोड़ा खाता हूँ, बाकी मुझे सब कुछ दाखिल कर मना किया, मतलब कोई मतलब था बस छोड़ दो, प्रेशर मेरा हाई रहता था, प्रेशर बिल्कुल वो भी खाते थे, वो लोग खाते ही आज एक दो महीने में मुझे वो बिल्कुल बंद किया। तो जैसे सुनने मतलब श्रीनगर में और जम्मू में डायबिटीज शुगर की काफ़ी बीमारी है, तो आप उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अपना सर्जरी से सिर्फ आपका वेट नहीं जाता है, जैसे कि मैं पहले भी बताया डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, खराटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, जॉइंट पेन्स, ये काफ़ी हद तक आपके मोर देन 90% तक करेक्शन हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और आपके दवाई का खर्चा भी काफ़ी छूट जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। कम से कम 20,000 रुपया दवाई पर ₹20,000, क्योंकि इंसुलिन मुझे 2 दिन ही करते थे, 450 में बढ़ता था, वो 1,000 रुपये में इंजेक्शन ही करता था इंसुलिन का, वो धीरे धीरे हाइस्ट डॉक्टर में मुझे करने के। अच्छा वो जाता था 1,000 रुपये 2 दिन में, 4 दिन में, फिर अब प्रेशर की दवाई, दूसरी दवाई, टाउन की दवाई, इसकी दवाई, सर दर्द की दवाई, पता नहीं कितनी में मेडिसिन खा रहे थे, कम से कम 20-25,000 की मेडिसिन, मेडिसिन आपको लग रही नहीं लगती मेरी, वो सब खत्म हो गया। आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तो मैं आशा वो जो कब्जे की दवाई खा रहा था वो अलग से, और दुनिया भर की दवाई में फुल दवाई होती, आज मैं आसानी से भी जाना। तो आपको हमारा हॉस्पिटल बहुत यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ऐसा सिर्फ हर जगह पर अल्लाह भेजे, हर जगह पर ऐसे लोग भेजे कि जो इतना प्यार अपने बच्चे नहीं करेंगे, वो जो उन्होंने थूके मेरे उठाए ये किया, मैं ऐसा कभी नहीं उनको उतार सकता हूँ, ये जो आपकी बेड में है ये तो समझ अपने बच्चों से क्या, बच्चों से भी ज्यादा करते हैं, अपना बच्चा नहीं वो करेगा जो, और हर प्यार से जाऊँगा ठीक है, हर प्यार से। शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू।